हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यू आर वाचिंग वीरेंद्र टीवी। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, हमने पहले एपिसोड में दिखाया था कि इट्टा कैसे बनाया जाता है, और अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं कि इट्टा का भट्टी कैसे बनाया जाता है। इट्टा जलाने के लिए पहले जो हम लोग रखते थे वो ट्रेडिशनल था, ये थोड़ा चेंज हो गया है। ये भी ट्रेडिशनल ही है, तो ये थोड़ा नया डिज़ाइन का है। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, उसमें पहले सीधे पिलर सा जैसा बनाया जाता है, और उसका चारों तरफ राउंड करके ईंट को सजाया जाता है, जैसे कि मिस्त्रियाँ सजा रहे हैं। ये ईंट कैसे सजाया जाता है देखिए, यहाँ की थोड़ा बीच में वैकेंसी रखी जाती है जहाँ की हम भूसी डालेंगे। ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, बीच में भूसी आएगी। मैं मिस्त्री से निवेदन करूँगा, थोड़ा भूसी कहाँ डाला जाएगा दिखाइए, थोड़ा हाथ में दिखाइए। ये जो हाथ जो हो वो खाली जगह पर भूसी डालेंगे, चारों तरफ गैप में, वो गैप में भूसी डाला जाएगा। देखिए, फिर मैं उसको आपको नीचे की ओर दिखाया जाता है, नीचे की ओर कैसे सेटिंग किया हुआ दिखाता हूँ। देखिए, नीचे में भी चारों तरफ ऐसे किया गया है जैसे कि अच्छी तरह भूसी डलाया जा सके, और आग के माध्यम से यहाँ ईंट की पूरी तरह से जलने की संभावना है। और अच्छी तरह से ईंट अगर जलेगी तो यहाँ अच्छा ईंट भी, पक्का ईंट निकलेगा। देखिए कैसे बनाया जाता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर इधर ही से त्रिप्रचा पिलर की तरफ बीच में बनाया गया है हाइट से, और चारों तरफ घुमा के पूरा राउंडिंग दिए जा रहे हैं इधर। तो मैं मिस्त्री जी से बात करना चाहता हूं, आपसे मैं मिस्त्री जी से मिलाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस, वो उनका नाम, वो कितना दिन से काम कर रहे हैं हम जानते हैं उनसे। भाई, आपका नाम? तहसील राणा। तहसील राणा, आपको कितने साल हुआ कि ये काम करते हैं आप? 10 साल। देखिए, इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ये ईंट का भट्टी बनाते हैं। आप केवल ईंट का भट्टी बनाते हो? हाँ हाँ। आप ईंट नहीं बनाते? नहीं, केवल ईंट का भट्टी बनाते हो। तो आप ईंट का भट्टी में 10,000 ईंट का भट्टी बना सकते, आपका पेमेंट क्या लेते हो आप? हम 1,000 वाइज लेते हैं, मतलब 1,000 ईंट को 150 रुपया। अच्छा अच्छा, आपका वजह से 1,000 वाइज में आप 150 रुपया लेते हैं? नहीं, आप एक मिस्त्री? अच्छा अच्छा, एक मिस्त्री का 1,000 ईंट अगर आप भट्टी बनाते तो 150 रुपया आप लेते हैं? नहीं, आप लगभग दिन में कितना 1,000 ईंट भट्टी कर सकते हैं? ऐसा तो अगर इनके ऊपर है, मतलब जो धोते हैं ईंट लाते हैं। अच्छा अच्छा, लेबर तो के हिसाब से? लेबर जितना जल्दी ला सकेंगे उतने जल्दी आपका भी काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो 20,000 आ जाता है लगभग, करीब ऐसा अप्रोक्सीमेटली आप 20,000 एक दिन में कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, 20,000, बहुत बढ़िया। आपका तो सफाई अच्छा है हाथ का। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा मिस्त्री जी से, राणा जी ने बोल रहे थे कि मैं अगर लेबर ठीक सही ढंग से अगर ईंट लाते हैं तो पकड़ाते हैं उनका हाथ में, तो दिन में 20,000 से आगे ईंट को सरिया सकते हैं भट्टी में। बहुत अच्छा तरीका है, उनका एक्सपीरियंस है, 10 साल का बोले थे वो। देखिए, अगर आप को कहीं भी ईंट का भट्टी बनाना तो इस तरीका को अपना सकते हैं। इसलिए मैंने हर सभी को ये जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये तरीका, ये फार्मूला अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, नमस्कार।